हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैशन नेट। मैं पंकज कुशवाहा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका मोबाइल हो या लैपटॉप है या कोई ऐसा मदरबोर्ड जो शॉर्ट हो जाता है, ओके, चाहे उसके अंदर हाफ शॉर्ट हो, चाहे फुल शॉर्ट हो, चाहे प्राइमरी लाइन शॉर्ट हो या सेकेंडरी लाइन हो। और अक्सर हमें प्रॉब्लम रहती है कि हम जो है फुल शॉर्ट को तो निकाल लेते हैं, लेकिन हाफ शॉर्ट को जो है हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो मेरे पास यहाँ पे एक मदरबोर्ड है जो कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर शॉर्टिंग है, हम आपको चेक कर रहे हैं। तो मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करेंगे, ओके। तो अब जैसे आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने रेड प्रॉप लगा दी है ग्राउंड पे, ओके, रेड प्रॉप लगा दी है ग्राउंड पे। और यहाँ पे हम कंपोनेंट चेक कर रहे हैं, कैपेसिटर बीप कर रहा है, और बीप के साथ में यहाँ पे कितनी रीडिंग आ रही है, 1 आ रही है। और इधर देखिए कि बीप कर रहा है, लेकिन बीप के साथ में यहाँ पे 6 रीडिंग आ रही है, यानी कि माइनस से ही तो ग्राउंड से दोनों पॉइंट ये बीप कर रहे हैं। दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं? बीप। इसमें से प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है? क्योंकि माइनस तो दोनों बीप कर रहे हैं, तो पहले हमें ये जानना है कि इसमें माइनस कौन सा है, प्लस कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही है, 1। और यहाँ पर इसके इस साइड बीप कर रहा है ग्राउंड से, रीडिंग आ रही है यहाँ पर 6। तो अब इसको समझते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, किस तरीके से दोनों पॉइंट किस तरीके से ग्राउंड से बीप कर रहे हैं, ओके। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। आगे अपने स्क्रीन पे मैंने वही दो कंपोनेंट की यहाँ पे इमेज ली है, जिसको हम लोग ग्राउंड से जब चेक कर रहे थे तो ये वाला सिरा क्या कर रहा था, इसका बीप कर रहा था, और बीप के साथ जो इसकी रीडिंग आ रही थी वो 1 रीडिंग आ रही थी ग्राउंड से। और ये वाला भी सिरा क्या कर रहा था, ये वाला सिरा भी बीप कर रहा था, और ग्राउंड से इसकी रीडिंग आ रही थी 6। समझना पहले, मतलब ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब माइनस माइनस में हमको पहले ये देखना कि प्लस कौन सा है। माइनस तो ये भी बीप कर रहा है, ये भी बीप कर रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट सेक्शन है। तो शॉर्ट सेक्शन किसी भी सेक्शन में हो सकता है, लाइट का हो सकता है, डिस्प्ले चार्जिंग या पावर, कहीं भी साउंड हो सकता है। हमें सबसे पहले तो उसको पहचानना है, इसमें प्लस कौन सा है। जिसमें रीडिंग ज़्यादा आती है, जिसमें रीडिंग ज़्यादा आएगी, ये कहलाएगा आपका प्लस वाला पॉइंट। तो यानी कि ये प्लस पॉइंट है और ये वाला माइनस है। यानी एक अगर रीडिंग आएगा या दो रीडिंग आएगा तो वो माइनस है, उसके ऊपर बीप के साथ में, बीप तो ये भी करेगा और ये भी करेगा, तो ये वाला प्लस पॉइंट है। अब प्लस पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, ये प्लस वाली जो रेड प्रॉब है, रेड प्रॉब आप प्लस रे से कनेक्ट करेंगे, ओके। ब्लैक वाली जो प्रॉब है, ये ग्राउंड वाली, वो माइनस रे से कनेक्ट करेंगे, ओके। जब माइनस से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एम्पियर की रीडिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर बढ़ने लगेगी, शॉर्ट सेक्शन है। अब अगर ये कंपोनेंट ख़राब है तो इसको आप बाहर निकाल के भी, क्योंकि बीप कर रहा है, ऐसा संभव नहीं कि ख़राब ही है, तो इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकालने उसके जो पॉइंट निकलेंगे, पॉइंट पे आप तार जोड़ सकते हो, ओके, प्लस और माइनस। इसके बाद मदरबोर्ड में जहाँ पर इसकी जो लाइन शॉर्टिंग है, यानी कि और भी कंपोनेंट, ये कंपोनेंट लगा है, कुछ कंपोनेंट और लगे, कहीं पर भी अगर और भी कंपोनेंट लगे हैं, तो वो कंपोनेंट क्या करेगा मदरबोर्ड में, वो कंपोनेंट करेगा आपका हीट। तो हीट करेगा तो आप समझ जाएंगे कंपोनेंट ख़राब है। अगर आईसी हीट कर रही तो आईसी आपको चेंज करना रहेगा। तो इस तरीके से शॉर्टिंग निकाल सकते हो। अब बात आती है सेकेंडरी लाइन में, यानी कि अगर हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो हाफ शॉर्टिंग में क्या है कि इस मदरबोर्ड में टाइम लगेगा, बट यहाँ पे एम्पियर जो है आपको पहले से ही यहाँ पे 5 वोल्ट सेट करना पड़ेगा और 5 एम्पियर। तो इससे आपको जल्दी फॉल्ट मिल जाते हैं। जब ये मशीन आप यूज़ करें डीसी वाली, तो यहाँ पे 5 वोल्ट और 5 एम्पियर जो है आप सेट करें, इसके बाद ये काम करें। अगर आईसी ख़राब होगी तो आईसी, और ये बोर्ड वहाँ पर रखना चाहिए जहाँ पर फैन या एसी ना चलती हो, क्योंकि ये बोर्ड में लगे कंपोनेंट हीट करेंगे। सेकेंडरी लाइन में कंपोनेंट कम हीट करते हैं या देर में हीट करते हैं, तो इसलिए आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और अगर ये प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है, तो यानी फुल शॉर्टिंग में आ रही, तो ये तुरंत आप मुश्किल से मुश्किल आप 30 सेकेंड के अंदर जो है प्रॉब्लम को फाइंड कर लेंगे, ओके। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू। क्या आप भी 10th पास हैं? क्या आप भी बेरोजगार हैं? क्या आपके पास भी नौकरी नहीं है? क्या आप भी बनना चाहते हैं आत्मनिर्भर? क्या आप भी चाहते हैं अपना खुद का व्यापार शुरू करना? अगर आपका जवाब भी हाँ है, तो आज ही मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग, हार्डवेयर रिपेयरिंग कोर्स, वो भी मात्र 45 दिनों में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। और हमारे यहाँ आपको मिलेंगे 10 से 15 साल के अनुभवी ट्रेनर्स। तो अपना करियर बनाएं फ्यूचर नेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, जो आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसा सुनहरा अवसर आपको भविष्य में नहीं मिल सकता।
तो आज ही डेमो क्लास लें, फिर एडमिशन कराएं। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। हमारे यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे आप घर बैठे भी सीख सकते हैं मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर करना और बने आप भी एक्सपर्ट। तो आप देर किस बात की, आज ही हमसे जुड़े। हमारा पता है, छोपेड़ा पुलिया, काकादेव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9236640999 और हमारी डेमो क्लासेस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें पंकज कुशवाहा व नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।